बिसमीम्स न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड फोर आज हम यूनिट सिक्स की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं वैरायटी इंटरटेनमेंट जो हमने रीड आउट किया था आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइजेस कॉम्प्रीहेंशन समझ कर पढ़ना आंसर द फॉलोविंग क्वेश्चन वालों के जवाब दें एक क्वेश्चन है वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस ये जो कहानी हमने पढ़ी है ये कहाँ की है द स्टोरी टेक प्लेस इन द स्कूल ये स्कूल की कहानी है क्वेश्चन बी वाई डिड मिस्टर खान कॉल द क्लास टूगैदर मिस्टर खान ने क्लास को इकट्ठा क्यों बुलाया? आंसर है, ही वॉन्टेड टू मेक एन अनाउंसमेंट वो एक ऐलान करना चाह रहे थे इसलिए उन्होंने क्लास को इकट्ठा बुलाया है क्वेश्चन सी है हमारा वट न्यूज डिड द चिल्ड्रन थिंक ही वॉज गोइंग टू गिव देम वो कौन सी खबर थी जो बच्चे सोच रहे थे चिल्ड्रेन थाट डेड ही वॉज गोइंग टू स्कॉल दम के वो हमें डांटना चाह रहे हैं ये सोच रहे थे बच्चे क्वेस्ट डी है हमारा हाउ डिड मिस्टर खैन लुक एट अली वाई मिस्टर खान ने अली को क्यों देखा मिस्टर खान लुकड ऐट अली अली को देखा एल डब्लो के लुकड एट अली एंगली गुस्से से देखा बिकॉज क्योंकि ही हैड इंटरप्टिड हिम क्योंकि उसने बात को काटा था दखल अंदाजी की थी क्वेश्चन ई e है हमारा हु केम टू सी दरयटी इंटरटेनमेंट के शो को देखने कौन कौन आया था स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस मेंबर्स ऑफ स्टाफ पेरेंट्स एंड गेस्ट्स क्लासेस के स्टूडेंट थे अमले के अरकान थे वालदेन थे और मेहमान गेस्ट क्वेश्चन एफ है हमारा व्हाट डिड अली अनाउंस टू द ऑडियंस अली अनाउंस डेट ही वाज गंग टू मेक ही स्टॉक डिसअपियर अली ने अनाउंस किया था कि मैं अपने कुत्ते को गाइब करने जा रहा हूँ क्वेश्चन जी है हमारा वाई डिड स्मोकी लीप आउट ऑफ अलीस आर्म्स अली के बाज़ुओं से स्मोकी क्यों निकल गया था बिकॉज क्योंकि अली वाज नॉट होल्डिंग हिम टाइटली अली ने उसको जोर से नहीं पकड़ा हुआ था इसलिए क्वेश्चन एच है डिड अलीस क्लासमेट्स नो हाओ द ट्रिक वाज डन के जो जो उसने मैजिक शो में वो किया था डॉग को डिसअपियर वो कैसे किया है ये पूछ रहे हैं आंसर है नो दे डिट नाट नो हाउ द ट्रिक वाज डन वो नहीं जानते थे कि वो ट्रिक कैसे उसने की है नेक्स्ट आई क्वेश्चन है हमारा डिड द ऑडियंस लाइक द शो हाउ डू वी नो क्या ऑडियंस ने शो को पसंद किया हमें कैसे पता चलेगा द ऑडियंस लाइक द शो बिकॉज क्योंकि दे क्लेफ्ट एंड चीय लाउडली कि जी उन्होंने इंजॉय किया क्योंकि वो तालियां बजा रहे थे और खुश हो रहे थे और हुटिंग कर रहे थे आंसर टू है हमारा ये लिस्ट है वैरायटी ऑफ इंटरटेनमेंट की क्वेश्चन इधर नहीं लिखा हुआ उधर लिखा हुआ है बुक पे तो इसको हम देख लेते हैं सादिया ने क्या किया था डांस माहम एंड हानिया डिड अ माइम यासिर फिरोज एंड अंजुम सॉन्ग अ पिप संग अ पिप सॉन्ग दानियाल रीड अ पोएम पार्तीफ एंड सारा परफॉर्म्ड आर शेडो प्ले उसके बाद अली ने अली शोट मैजिक ट्रिक ये भी हम लिख सकते हैं इसका थ्री पॉइंट है हमारा आंसर द क्वेस्स अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी एवरी वन क्लेप्ट एज ही वर्कड ऑन द स्टेज वेयरिंग आ ग्रीन रॉब एंड एंडेड डेट पॉइंटेड विद स्टार्स एंड क्रीसेंट मून्स एक क्वेश्चन है हु वाज़ ड्रेस्ड लाइक दिस ये ड्रेस किसने पहना हुआ था अली अली ने बी क्वेश्चन है वाई वाज़ ही ड्रेस्ड लाइक दिस बिकॉज ही वाज गोइंग टू परफॉर्म अ मैजिक ट्रिक उसने इस तरह का लिबास इसलिए पहना था कि वो मैजिक ट्रिक करने जा रहा था सी पॉइंट है वट वाज़ ही गोइंग टू डू ही वाज गोइंग टू मेक हिज डॉग डिस नेक्स्ट है हमारा वर्किंग विद वर्ड्स लफ्जों के साथ काम करना इसमें चैलेंज है इसको देखते हैं वट वाज मिस्टर खान मिस्टर खान किस तरह के टीचर थे रीड थ्रो द स्टोरी नोट द कमेंट्स एंड एक्सप्रेशन ही मेक्स देन डिस्क्राइब हिज करेक्टर इसका आंसर आप स्टोरी से बच्चे देख सकते हैं हमने भी कुछ राइट किया है एंसर मिस्टैन वज़ अ रिस्पेक्टिव टीचर ही लवड ही स्टूडेंट ही वेरी नॉलेज नॉलेजेबल एंड पंक्चुअल इसके इसके साथ हम मजीद भी काफ़ी कुछ राइट कर सकते हैं या ना भी करें तो कोई मसला नहीं है अब इसको देखते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज आर सम वर्ड्स Taken from the passage. Write them in your notebook and then use a dictionary to find their meanings. Use them in sentences of your own. Next नेक्स्ट पेज पर जो लफ्स दिए गए हैं हमने उनके पहले मीनिंग देखने हैं डिक्शनरी से फिर उनके जुमले बनाने हैं ये वाले वो वर्ड हैं जिनके हमने जुमले भी बना लिए हैं और इनके मीनिंग भी लिख दिए हैं जी मंचिंग चूइंग होता है चबाना चबाते हुए स्मोकी मंचिंग अलाउड इट परमिटेड इजाजत देना द टीचर इट द स्टूडेंट्स टू स्पीक वराइटी रंगारंग कलेक्शन ऑफ वराइटी थिंग्स देयर वाज अ ग्रेट वराइटी ऑफ क्लॉथ्स इन शॉप इंटरटेनमेंट The free enjoyment. Playing cricket is my source of entertainment. Favourite. Pasandida. Ilama Iqbal is my favourite poet. Applaud, clap, Bajana taaliyan Bajana People applaud at the children's performance. विनिश गायब हो जाना गायब होना अली सेट डेट ही विल मेक स्मोकी विनिश गैसपेट हैरान रह जाना टुक अ सट ब्रीड पीपल गैसपेट एंड ही स्ट्रिक्स रिगलिंग मचलते हुए स्मोकी वाज विगलिंग अंडर द शीट मै सेकेंड क्वेश्चन इसका ये है मैच द पर्सन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट दे डू ये वाले जो उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं इसके साथ हमने मैच करना है कि ये क्या है आ ये यानी कि खाली जगह समझे इसको इज अ पर्सन कि वो आदमी हु मैनेज द स्टोर जो कि स्टोर को मैनेज करता है किसी शॉप को उसको क्या कहते हैं शॉपकीपर आगे है इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी रिलीजियस जो कि बहुत मजहबी हो उसको क्या कहते हैं आ होली मैन इज़ अ पर्सन हु वाश क्लॉथ जो कि कपड़े धोता है उस आदमी को क्या कहते हैं वॉशरमैन मैन वाटर कैरियर यानी कि जो के वो पर्सन जो के ट्रांसपोर्ट करता है मिनिस्टर किंग क्वीन ये सारे हमने पुलिस ऑफिसर आ पर्सन हु प्रिवेंट जो वो आदमी जो बचाता है क्राइम जुरम एंड कीप्स ऑर्डर और लॉ ऑर्डर का ख्याल रखता है वो क्या होता है पुलिस मैन इसमें ये पर्सन भी दिए हुए गए हैं ये आगे उनके प्रोफेशन भी दिए गए इसको हमने करेक्ट प्रोफेशन को करेक्ट पर्सन के साथ एडजस्ट कर दिया है लर्निंग अबाउट लैंगवेजबान के मुतिक सीखना टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जुमलों की अकसाम राइट द फॉलोइंग इन स्टेटमेंट्स नोट बुक और कमांड्स ये वाले सेंटेंस के हमने बताना है कि कौन सा वो सेंटेंस है जिसमें सवाल पूछा गया है किसी में खुशी और गमी का इजहार किया गया है कमांड हुक्म दिया गया है कमांड दी गई है कुछ करना या ना करने का कहा गया है उसको हमने अलग अलग किया है डोंट लीव मी हेयर अलोन कमांड दिस इज योर ओनली चांस स्टेटमेंट गेट आउट ऑफ माई हाउस कमांड यानी कि हुक्म दिया गया है वट आर वंडरफुल माउंटेन डेट इज एक्सप्लेमेशन एक्सप्लेमेशन होता है हैरत खुशी या गमी का इजहार करना वो इट इज़ द दाइस्ट माउंटेन इन द कंट्री ये क्या है आगे क्वेश्चन मार्क है तो ये किस टाइप का सेंटेंस है क्वेश्चन नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन टू क्वेस्चन्स इन स्टेटमेंट्स को हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है जब भी हम किसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करते हैं तो इज आर एम वॉज वर ये सब स्टार्ट पे आ जाते हैं इधर से इज हमने काटा यहाँ पे इज आ गया और इसके आगे आ गया फुल स्टॉप आर को इधर काटा है आर वी गोइंग बाय बस इधर ये आ गया इज इधर से काटा इज द रोड वेरी स्टीप आगे क्वेश्चन मार्क आ गया डू आई आई डोंट लाइक है डू आई लाइक ट्रैवलिंग बाई बस ये आ गया शेल ये शेल बाहिर आ गया शेल वई गेट देयर एट फाइव थर्टी आगे इसके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा नेक्स्ट है टेंसिस टेंसिस क्या होते हैं टेंसिस का तल्लु ज़बाने से है जैसे फिलहाल फेल माजी और फेल मुस्तबिल समाइम्स वन टाकिंग अबाउट ग्रामर वी यूज था वर्ड टेंस जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो टेंस भी उसमें लाजमन इस्तेमाल होते हैं टेंस रोली मीन्स टाइम टेंस का दर हकीकत यही मतलब होता है कि वो टाइम के बारे में बताते हैं एंड वे टाक अबाउट अ वर्ड बी बी इन अर्टन टेंस यानी कि कभी हम वर्ब की बात भी करते हैं सर्ट, सर्टेन टेंस किसी टेंस में दे आर शोशली डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स द पास्ट द प्रेजेंट द फ्यूचर ये थ्री यानी के तीनों जमानों में इस तरह से तकसीम होते हैं आगे हर एक टेंस की चार चार किस्में मजीद होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल दी हुई हैं ये हम करने का काम इधर से स्टार्ट हो रहा है से विच ऑफ द फॉलोइंग आर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ये स्टेटमेंट है इसको हमने देखना है आई वन टू सदर लास्ट वीक यानी कि पिछले हफ्ते गुजरे हुए को हम क्या कहते हैं पास्ट माई सिस्टर इज ईटिंग एन एप्पल प्रेजेंट इस वक्त खा रही है इस आर एम का प्रेजेंट में यूज होता है माई फादर विल टेक अस इन हीज कार विल जहाँ विल आता है तो वो फ्यूचर में विल का शैल का यूज़ जो है वो फ्यूचर में होता है कि मेरे अबू हमें कार लेकर देंगे कब इन फ्यूचर फोर पॉइंट use यूज़ द फॉलोइंग of ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंस in इन द टेंस in इन You यू विल हैव टू चेंज द टेंस ऑफ verb. जैसे ये स्टेटमेंट है इसको हमने प्रॉपर प्रेजेंट में सेंटेंस में भी करना है और टेंस में भी करना है आई एम ईटिंग एन एप्पल मैं एक सेब खाता हूँ द टू बॉयज़ टू स्कूल गो टेक्स्ट ये सारा उल्टा सीधा दिया हुआ है हमने इसको ठीक करके लिखना है द टू बॉयज़ शैल गो टू स्कूल नेक्स्ट नेक्स्ट है माय सिस्टर वेंट टू स्कूल आगे फाइव पॉइंट है नाउ मेक इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग द फॉलोइंग इन वर्ड को यूज करते हुए इंटरेस्टिंग मजेदार सेंटेंस बनाने हैं आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे आई विल प्ले अ पार्टी फॉर माई पेरेंट्स वेडिंग एनिवर्सरी इसका है विल यू वन टू ट्रेवल अमेरिका नेक्स्ट मंथ सिक्स पॉइंट है वन यू हैव फिनिश द एक्सरसाइज अवर चेक इफ यू हैव यूज द करेक्ट टेंस आपने ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद चेक करना है कि क्या आपने ये ठीक की है डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग सुनना और बोलना इसमें यह है कि जब भी कोई बात कर रहा होता है तो हम उसकी बात को हमें काटना नहीं चाहिए अगर बाय मिस्टेक वो कट जाती है तो कुछ पोलाइट मैनर्स होते हैं उसके जरिए हमें एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए जैसे एक्सक्यूज मी सॉरी टू इंटरप्ट पार्टन मी आई अप्रोच फार ठीक है यही इसमें सिखाया गया है कि आप बच्चों को ये बताएं कि आपने किसी की बात में इंटरफेरेंस नहीं करनी अगर आप करते हैं तो इस तरह से एक्सक्यूज़ करना है नेक्स्ट है हमारी कंपोजिशन ई पॉइंट इसका है यू हैव बीन आस्क्ड टू डू योर ऑन एक्ट फॉर अ वैरायटी इंटरटेनमेंट शो

Have great concentration. All all these qualities shall help me in my act. I would like to juggle off last seven balls at one time. No doubt, I will have to practice hard for it, and not just with balls. आई विल प्रैक्टिस विद अदर थिंगस टू लाइक एग्स स्पोन्स स्मॉल बॉक्सिस एंड फ्रूट्स इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज कम्प्लीट होती है थैंक्स फॉर वॉचिंगस